Hello everyone, welcome back to my channel once again. Hopefully you all are doing great in your life. So आज Wednesday है और अभी सुबह के 9:45 हुए हैं around. तो अभी हम निकले हैं downtown जाने के लिए. We are going to Chicago downtown. तो actually US में ये long weekend है. काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जो India के subscribers हैं उनके लिए बता ही रही हूँ. तो कल परसों और मतलब सीधे अब मंडे को ऑफिस होगा पुष्पेंद्र का, अदरवाइज पूरा ये लॉन्ग वीकेंड है. तो आज वेडनेसडे को पुष्पेंद्र ने अपने ऑफिस से ऑफ ले लिया है क्योंकि हमें शिकागो डाउनटाउन में कुछ काम है. एंड वी आर गोइंग टू इंडियन एम्बेसी जो कि शिकागो डाउनटाउन में है. कुछ इंपॉर्टेंट काम है हम लोगों को वहाँ पर. तो मैं आज आपको इंडियन एम्बेसी जो शिकागो में है वो दिखाऊँगी, जहाँ तक पॉसिबल होगा दिखाऊँगी. जहाँ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है वहाँ का नहीं क्लिप लूँगी मैं. और उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे वो सिया आपको बताएगी. बताओ और एम्बेसी से फ्री होके फिर हम लोग आदित्य के घर जाएंगे. आदित्य का पूरा नाम है आदित्य बजाज, तो सिया बोल रही थी बजाज अंकल, तो उनके घर जाएंगे फिर हम. सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. स्टे कनेक्टेड. जस्ट नॉर्मल सा ही ब्लॉग है, बट सोचा आई शुड से. सब लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल लाइफ के ब्लॉग होते हैं उनको वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो अभी आपको लोग लेके चलते हैं इंडियन एम्बेसी शिकागो. और आज ये खिड़की एकदम आपको क्लीन लग रही है क्योंकि बीच में बारिश हुई है एक दो दिन, तो कार एकदम धुल गई है. नहीं तो स्नो और सॉल्ट की वजह से वो निशान बन जाते हैं. तो काफ़ी अच्छा क्लियर व्यू आ रहा है बाहर का. और टेम्परेचर कुछ दिनों से थोड़ा अप में चल रहा है, 5-6 डिग्रीज 8 डिग्रीज तक. तो इस तरह से है. एकदम डल सा है, बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बादल से हो रहे हैं, बहुत ही डार्क सा लग रहा है. मतलब सुबह सुबह बिल्कुल भी एकदम ब्राइट सनी डे टाइप से नहीं है, बहुत ही डल सा वेदर है आज का. और मेरी भूमि यहाँ पे सो गई है, उसको फीड करा के लाई थी तो काफी अच्छे से अभी सो गई है, अभी काफी देर सोएगी. हाँ यहीं पे तो एयरपोर्ट है पास में. और वैसे तो ये वेडनेसडे मॉर्निंग है, ऑफिस आवर्स भी नहीं है, बट क्योंकि लॉन्ग वीकेंड अहेड है इसलिए हमें बीच में काफ़ी ट्रैफिक मिला. गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी एज़ डाउनटाउन पास आया तब, तो काफ़ी गाड़ियां हैं और बीच बीच में थोड़ा सा जैम भी है, स्लो डाउन है थोड़ा सा. और शायद इसीलिए है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो लोग थैंक्सगिविंग पे या तो अपने घर जा रहे होंगे या जो भी है. सो अभी ऑलमोस्ट हम डाउनटाउन पहुंच गए हैं एंड मैं आपको दिखाती रहूँगी डाउनटाउन का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स बीच बीच में. और यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी ब्रिज से नीचे, ये शिकागो रिवर है. और अभी यहाँ पे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि एक ये बिल्डिंग है सिविक थिएटर की. सो डाउनटाउन में बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं एंड उनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है रियली.
और डाउनटाउन में लोग काफ़ी साइकिलिंग करते हैं. अभी तो विंटर्स है, समर्स में तो बहुत ज़्यादा लोग साइकिल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह के साइकिल स्टैंड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे. तो यहाँ पे लोग अपनी साइकिल पार्क करके चले जाते हैं. और हर बिल्डिंग के पीछे इमरजेंसी एग्जिट के लिए इस तरह की स्टेयर्स होती हैं, यू कैन सी. एंड गाइस, फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं. तो इंडियन एम्बेसी यहीं आसपास ही है और हम कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रीट पार्किंग मिल जाए, बट हमें नहीं मिली. तो अभी हम अपनी कार पेड पार्किंग में लगा रहे हैं और डाउनटाउन का यही ड्रॉबैक है, यहाँ स्ट्रीट पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ पर पेड पार्किंग के रेट्स काफ़ी हाई हैं. 20 मिनट्स इज़ आई गेस $10 समथिंग. सो इस तरह से है. और यहाँ पे अब पार्क करके गाड़ी यहाँ पे जो एलिवेटर है उसके थ्रू फिर हम बाहर निकलेंगे. लोगों को जो स्ट्रीट पार्किंग है वो तो मिली ही नहीं डाउनटाउन में, तो हमने अभी पेड पार्किंग में अपनी कार लगाई है और पैदल पैदल जा रहे हैं. और यहाँ बहुत ठंड है सीरियसली, तो भूमि को तो मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिया. ये देखिए भूमि, ठीक है. एंड हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन एम्बेसी. तो यू कैन सी इंडियन फ्लैग हेयर. एंड यहाँ पे कॉक्स एंड किंग्स ग्लोबल सर्विसेज का कुछ टैग लगा है, दैट मीन्स आई थिंक वो लोग इसको कुछ आउटसोर्स किया हुआ है, समथिंग काइंड ऑफ. और यहाँ पर मैं बच्चों को देख रही हूँ. मीनवाइल पुष्पेंद्र जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब कंप्लीट कर रहे हैं. और अब हम लोग आ गए हैं फिर से पार्किंग में. सो यहाँ पे अमाउंट पे करके हम बाहर निकल रहे हैं. और बहुत बड़ा झटका लगा ये सुन के कि यहाँ पर $58 अराउंड हमारा पार्किंग का रेट हो गया था, क्योंकि हमें कहीं और पार्किंग मिली ही नहीं थी. सो वी हैड नो ऑप्शन, हमें यहाँ पार्क करना पड़ा. और अभी अराउंड लंच का टाइम हो गया है. सो हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स डाउनटाउन में रहते हैं और अर्पिता का भी ऑफिस यहीं पास में था, तो वो हमारे साथ ही आ गई है. और हम लोग अभी जा रहे हैं आदित्य के घर. सो अर्पिता भी हमारे साथ ही है और आदित्य के घर जाके हम कुछ लंच वंच करने वाले हैं. और ये अभी हम लेक शोर ड्राइव से जा रहे हैं, तो साइड में आपको मिशिगन लेक दिख रही होगी. और जो यहाँ पे हम कार निकाल के ले जा रहे हैं ये है लेक शोर ड्राइव. और हम पहुँच गए हैं आदित्य की बिल्डिंग में. सो नाउ वी आर गोइंग अप.
और ये उनकी बिल्डिंग के बाहर का व्यू है. नीचे काफ़ी सारी ड्राई क्लीन एंड ऑल ये सब शॉप्स हैं, और एक थाई रेस्टोरेंट भी है छोटा सा. तो यही सब शॉप्स हैं नीचे. सो यही सब था इस व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा आपको ये व्लॉग. बाय एवरीवन.